मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा श्री अर्जुन सिंह जी को। पूर्व विधायक हैं और यमुनानगर में विशेष तौर पर जगाधरी में निरंतर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी आए उससे पहले मेरे साथ दो तीन नारे लगाकर आप उनका स्वागत करें, चौधरी देवीलाल जी को याद करें। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई यूं काम नहीं चलेगा। मैं सभी सम्मानित युवा साथियों से, आदरणीय बुजुर्गों से कहूंगा, मेरी मातृशक्ति से कहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी को याद करने हम आए हैं। उनका जब नारा लगे तो दोनों हाथ उठाकर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी विधायक, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर हनुमान खिड़की, महेश खिड़की, अलका महेंद्रगढ़ बहुत प्रिय हैं ये अजका के, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। 500 रुपए से इन कलाकारों का सम्मान करते हैं। तीनों भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशान सिंह, आदरणीय चौधरी अनंत राम जी, आदरणीय केसी बांगड़ जी, आदरणीय भाई दिग्विजय चौटाला जी, वैसे तो मेरे सारे ही आदरणीय बैठे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम की कमी है। सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए मेरे से बड़े मेरे पिता समान आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, आम उम्र साथियों, माता व बहनों व पत्रकार छायाकार भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा भाई। आज आप लोगों ने दुष्यंत भाई साहब के विश्वास पर इतनी बड़ी रैली, मैं तो ये कहूँगा भाई जितने लोग उड़े बैठे ना, इससे कई गुना सड़कों पर खड़े, कई गुना सड़कों पर दुष्यंत भाई साहब ने कहा था कि इससे बड़ा कोई ग्राउंड नहीं मिला, उन्हें कहाँ लेकर जा जो उनसे सड़कों पर खड़े हैं। वे इसी रैली माने के नाम के थे, इतना विश्वास दुष्यंत भाई साहब ने एक महीना पहले कह दिया था भाई मोदी की रैली और कांग्रेस की रैली, ये सारी रैली उसी ग्राउंड में हुई और उसी ग्राउंड में मैं करूंगा और उससे कई गुना फालतू करवाऊंगा। लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने उनके विश्वास पर। आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं तो एक बात कहूंगा इस बात पर, सूरवीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, सर बांध कफन दुश्मन से भिड़ा करते हैं, न्यू तो हजारों चिराग जलते हैं, महफिल में चिराग वही हो जो तूफानों में भी जड़ा करते हैं। साथियों, जितने लोग यहां आए ये सब दुष्यंतवादी हैं, सब दुष्यंत के चहेते हैं, पर अगर जब दुष्यंत नाम मुख्यमंत्री देखना चाहो, इस देश का भला करना चाहो, इस प्रदेश का भला करना चाहो, तो यू एक मिन्ना जो सोच का चलो, यू देश का भविष्य है। एक ऐसे मन में आहुति देने जा रहे आप, हाँ इन माताओं बहनों ने देखो ना टिकट लेना, ना इनकी पहचान है, हाँ इतने चौ से आप लोगों के बीच में, इतनी बारस में और इतने उत्साह से, इतना हौसला बढ़ाया, तो इनसे भी हमने शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा सभी टिकटार्थी भाइयों से भी एक निवेदन है भाई, मारा निशाना, मारा टारगेट सिर्फ एक ही मछली की आंख होनी चाहिए, सिर्फ दुष्यंत और चाबी का निशान। दुष्यंत आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस देश का भला हो जाएगा, इस प्रदेश का भला हो जाएगा, और जी प्रदेश का भला होगा, जब प्रदेश में हम भी हैं, आप सब भी हैं, हमने हमारी बात सोच होनी चाहिए। देखो स्कूल वो बढ़िया जिसके मास्टर बढ़िया, अस्पताल वो बढ़िया जिसमें डॉक्टर बढ़िया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया जिसका संत पुजारी बढ़िया, और भाई पार्टी वह बढ़िया जिसका नेता बढ़िया, और नेता वो बढ़िया जिसकी नीयत बढ़िया, और जब नीयत बढ़िया होगी तो नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी, और जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी सभी के काम होंगी। चौधरी देवीलाल ने क्यों याद करें, चौधरी देवीलाल ने क्यों याद करें, आज क्यों आप लोगों के दिलों में बैठा, क्यों आज उनके जयकारे मार रहे, उन्हें आपका भला कराया, उन्हें इस देश का विकास कराया, न देश का भला कराया, और उसने वो काम कराया जो किसी ने भी नहीं कराया। ऐसी सोच चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा सम्मान जी भी दिया था, 100 रुपये जी आज के 10,000 के बराबर है, 18,000 रुपये किला जमीन का था जी, 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने आप लोगों से पिन सम्मान के तौर पे दी थी।
तो कितनी बात आप लोगों ने कहूं, एक बात कहा बीजेपी वालों के नाम पर, ने कहा यार बीजेपी ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया। मैं बीजेपी का दोष नहीं काटता इसमें भाइयों, इसमें दोष मारा आपका है। ताकत किसने दी, यू जहर का बीज किसने बोया, यू इस देशवासियों ने बोया और यू भुगतना पड़े आप लोगों ने। मैं ज्यादा नाटक करते मैं तो आप लोगों का सभी का एक ही निवेदन धन्यवाद करता हूँ भाई, एक महीना दुष्यंत भाई साहब ने सारे काम छोड़कर, अगर जो एक महीना सब लोग आप लोग तन मन धन से इस बात के पीछे लग जाओगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।